हेलो फ्रेंड्स, मैं हुरीना। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पनीर का पकौड़ा बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आइए पनीर का पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। पनीर का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे। बेसन को हमने छान करके ले लिए हैं। सबसे पहले हम हरा मिर्च और लहसुन को कूटेंगे। तो 4 हरा मिर्च लिए हैं, 8 से 10 लहसुन लिए हैं। अब हम इसे कूट लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, इससे पनीर का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। लहसुन मिर्च को हम दरदरा कूट लिए हैं और ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे बेसन में डालेंगे। बेसन में अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। बेसन में मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल हमें ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखना है। तो यह हमने घोल को तैयार कर लिए हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। जब तक बेसन सेट हो रहा है तब तक हम पनीर को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं और इसे हम थोड़ा लंबे स्लाइस में काटेंगे। इस प्रकार से हम थोड़ा लंबे में काट लेंगे इसे। सारे पनीर को मैंने काट करके ले लिए हैं। 10 मिनट हो गया है, अब हम बेसन को देखेंगे। बेसन फूल गया है, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम बेसन में 4-5 पिंच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। पनीर के पकौड़े में बेकिंग पाउडर डालने से पनीर का पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब हम इसे अच्छे से मिला करके ले लिए हैं। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो तेल को हमने गरम कर लिए हैं। थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा हम तेल में डाल करके देखेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं, तेल गरम हो गया है। पनीर को हम बेसन में अच्छे से कोट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसे तेल में डालेंगे। तो एक एक करके जितने भी पनीर लिए हैं हमने, इसे तेल में डाल लेंगे। तो पनीर को हमने तेल में डाल दिए हैं। जब पनीर एक साइड सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। इस प्रकार से हम तेल में पनीर के पकौड़े को अच्छे से तल लेंगे। पनीर का पकौड़ा अच्छे से तल गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पनीर के पकौड़े को हमने बना करके ले लिए हैं। पनीर के पकौड़े को हमने बना लिए हैं, अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। पनीर के पकौड़े को आप शाम के टाइम चाय के साथ ले सकते हैं। पनीर का पकौड़ा तीखा या मीठा चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, ये हमारा पनीर का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। एक पनीर का पकौड़ा आपको हम तोड़ करके दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है पनीर का पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे हम तीखा चटनी के साथ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।